खेल क्या हो रहा है? सर खेल अपने अपने स्तर पर जबरा हो रहा है। जो भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहा है, जो हम तीसरी महाशक्ति आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, प्रधानमंत्री वो हम पांचवी आर्थिक महाशक्ति बन चुके हैं, मतलब बन रहे वाली बात हमें देखना टाइप की माप का मामला नहीं है। जिस भारत का दबदबा दुनिया के मंच में ऐसा है, खैर आपको ने कहा कि एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा कर्जदार देश है, सबसे मोदी ने कर्जदार बना दिया इस देश को। हाँ मनीष जी, पिछले 2-3 दिन जरा वो दिखा दीजिए ट्विटर पे कि वो जैसे कांग्रेस ने कहा तो खैराती मीडिया तुरंत जुट गया उस पे, उसको हवा देने में, और पिछले 2-3 दिन से बुरी तरह से पीछे पड़े हुए कि बिल्कुल जो है मोदी ने पूरा कर्जा लाद दिया देश के ऊपर और देश जो है तबाही बर्बादी की कगार पे। और वो जो जिस कहानी को ये तबाही बर्बादी बता रहे हैं, उस कहानी को मैं प्रधानमंत्री मोदी के इस 9-10 साल की जो सबसे टॉप 5 कह लीजिए उपलब्धियां, उनमें से एक मानता हूँ, बल्कि बहुत अभूतपूर्व उपलब्धि है मनीष जी। यहाँ ये जरा दिखा दीजिए कौन कौन चैनल, ये है अखबार और चैनल, मतलब बिल्कुल। और तीसरा ट्वीट जो है कांग्रेस का है कि कांग्रेस क्या कह रही है उसी को ये लोग जुटे हुए हैं। ये तो है दैनिक भास्कर का है शायद, मेरे ख्याल से ये News24 है। ये कांग्रेस का ट्वीट है इन्हीं खबर पे 22 दिसंबर का, परसों का। हाँ वो सब एक ही दिन है मनीष जी, वो सब एक ही दिन है, बिल्कुल सेटिंग के साथ था कि तुम चलाओ उसके बाद हम इसको आगे बढ़ा देंगे, ये जो है यहाँ पे हवा बनाई जाएगी। ये दैनिक भास्कर का कि देश का नागरिक पर 1.5 लाख रुपए कर्ज, News24 भारत पर क्यों आया 205 लाख रुपए करोड़ का कर्ज, और फिर कांग्रेस का IMF ने दी चेतावनी कि देश का कर्ज GDP से ज्यादा होने वाला है, ये इन्होंने बताया। और इसको लेके फिर अलग अलग बिल्कुल जुटे हुए हैं इसी में कि मोदी ने सब डुबो दिया। बताता हूँ मनीष जी की कहानी क्या है और ये नरेंद्र मोदी की उपलब्धि क्यों है। नीचे लिखा है कांग्रेस ने कि 2014 में 54 लाख करोड़ था और 2023 में ये 205 लाख करोड़ हो गया। ये नैरेटिव बना दिया, भ्रम की स्थिति में तो डाल ही दिया देशवासियों को। हाँ हाँ, अब मनीष जी दर्शकों को जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को कि ये जो ये दो तरह के कर्ज होते हैं, एक एक घरेलू कर्ज होता है, विदेशी कर्ज होता है। मैं बड़ी सामान्य भाषा में बता रहा हूँ। तो विदेशी कर्ज तो अलग, अभी उसके बारे में बाद में आता हूँ, वो ज्यादा इनका मुंह काला करेगा, लेकिन जरा पहले घरेलू कर्ज की बात कर लें। मनीष जी घरेलू कर्ज जो लेती, जो विदेशों से नहीं लिया जाता, जो भारत सरकार कर्ज लेती है घरेलू कर्ज, वो लेती किससे है ये जरा ये बताएं इसको। इन खैरातियों से केवल इतना पूछ लिया जाए कि ये जो भारत सरकार को 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, ये देने वाला कौन है इसको? इतनी तो औकात भी नहीं है अडानी अंबानी के, 2-4-10 अडानी अंबानी बिक जाएंगे मिला के तो भी नहीं होगा 205 लाख करोड़ रुपए। तो इनको ये भारत को कर्ज ये देने वाले लोग कौन है मनीष जी? बड़ा कि ये घरेलू कर्ज देश के पब्लिक सेक्टर के बैंक, सरकारी बैंकों, बीमा कंपनियां, रिजर्व बैंक, कॉरपोरेट कंपनियां, म्यूचुअल फंड ये लेते हैं, और इसके अलावा जो हमारे वित्तीय संस्थान है IFCI, IDBI, एक्सिम, IIBI, TFCI, IDFC, नाबार्ड, NHB, SIDBI, RRBI, ये कम से कम 1.5-2 दर्जन जो वित्तीय संस्थान है ये भारत सरकार को कर्ज देते हैं। जरा बनने का ये बड़ा गजब का खेल है और इसमें नरेंद्र मोदी की उपलब्धि छुपी हुई है। ये जितने संस्थान मैंने मनीष जी ना, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे पब्लिक सेक्टर के बैंक हो, या IDBI हो, या IFCI हो, ये जितने वित्तीय संस्थान है इनका मालिक कौन है ये जरा खैराती बताएंगे, इनका मालिक कौन है? ये मनीष जी ये संस्थान है तो भारत सरकार के ही, ये भारत सरकार के ही संस्थान है। तो एक जैसे ये जो कर्ज है 205 लाख करोड़ रुपए बता रहे हैं, बड़ा इसको ताना बाना बना रहे हैं, तो ये तो जैसे सरकार कहा कि इस बक्से से निकाल के पैसा इस बक्से में रख दिया गया। ये घरेलू कर्ज की ये हैसियत होती है कि ये और उसका बताओ फायदा क्या मिलता है, इसका फायदा क्या मिलता है, ये क्यों करना चाहिए, क्यों करना पड़ता है सरकारों को, इसका लाभ आप समझिए जो कांग्रेसी नहीं कर पा रहे। इसका मतलब मनीष जी 258 लाख करोड़ जो इन्होंने बड़े उससे गर्व से लिखा है कि 47 से लेके और 67 साल में जो है कर्जा 58.5 लाख करोड़ हुआ था और उसको 205 लाख करोड़ कर दिया। अरे 205 लाख करोड़ कर्जा देने के लिए रुपया कहाँ से आया? ये भी तो सरकारी संस्थान है, चाहे वो रिजर्व बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक हो, या अन कॉरपोरेट बैंक हो, या IFCI जैसी वित्तीय संस्थान हो, इनके पास जब पैसा था तब तो इन्होंने दिया ना, तो ये पैसा कहाँ से आया सरकार के पास? ये भी सरकारी संस्थान है, ये कोई अमेरिका, इंग्लैंड और ब्राजील के संस्थान नहीं है,
ये भारत के ही वित्तीय संस्थान है, भारत सरकार के वित्तीय संस्थान है, भारत सरकार के इनके ऊपर नियंत्रण है। तो ये जो 67 साल में तुम 58 लाख करोड़ रुपए ले पाए थे उसको जो है अब 205 लाख करोड़। तो पहली बात तो ये कि समझिए हमारे वित्तीय संस्थान कितने मजबूत हुए है जो ये 205 लाख करोड़। अभी मान लीजिए बड़ा बड़ा बढ़िया ये है, मैंने कहा नरेंद्र मोदी सरकार की अभूतपूर्व उपलब्धि के कितने सशक्त हुए हमारे संस्थान। और उसका उसका एक और उदाहरण देता हूँ मनीष जी कि दो ये इन जो भारत सरकार कर्ज ले रही है तो इन वित्तीय संस्थानों की कैसे जेब भर रही है। 2014 में आरबीआई की जो इनकम थी मनीष जी वो 646 बिलियन डॉलर थी, 646 बिलियन रुपए ये इनकम हुई थी आरबीआई की। और आपको मालूम है मार्च 2023 में आरबीआई की इनकम क्या हुई है, मार्च 2023 में आरबीआई की इनकम हुई है 2354 बिलियन रुपए, यानी करीब करीब समझिए चौगुनी 2014 से चौगुनी ये इनकम है आरबीआई की। और ये मतलब अंतर समझिए कि 1708 अरब रुपए का था और ये 2013-14 से अगर आप बात करिए तो ये मनीष जी 265% ज्यादा है, 265%। तो ये फर्क है जो बढ़े हुए कर्जे का है। तो आरबीआई की अभी दूसरा गिनाता हूँ मनीष जी, स्टेट बैंक का 2013-14 में वो भी सरकार उससे भी कर्ज लेती है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका कारण है कि 2013-14 में स्टेट बैंक का जो नेट प्रॉफिट था वो मनीष जी 10,800 करोड़ रुपए था, 10,891 करोड़ रुपए स्टेट बैंक का प्रॉफिट था। और मार्च 2023 यानी समझिए 22-23 का जो प्रॉफिट है स्टेट बैंक का वो है मनीष जी 50,232 करोड़ रुपए, 10,800 करोड़ रुपए और अब है 50,832 करोड़ रुपए। यानी 9 साल में एसबीआई का प्रॉफिट बढ़ा है 39,000 करोड़ रुपए। और ये अगर आप परसेंटेज में बात करिए तो 361% प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये प्रॉफिट ऐसे नहीं बढ़ गया, बैंक की इनकम तो केवल दिए गए कर्ज पे ब्याज मिलने से होती है। तो ये बैंकों को ब्याज मिल रहा है जो उनकी इनकम ये बढ़ रही है। तो ये ब्याज दे कौन रहा है, ये ब्याज दे कौन रहा है, ये मोटरसाइकिल लोन, हाउसिंग लोन, कार लोन से इतनी इनकम नहीं होती। ये सरकार की ये सरकार जो फाइनेंस लेती है और सरकार जो ब्याज देती है। तो कर्जा लेके अगर देश तरक्की कर रहा है और जिनसे कर्जा ले रहे हैं उनको कर्जा टाइम पे वापस किया जा रहा है और हमारे बैंकों की स्थिति ये हो गई है कि आज समझिए जो बैंक और वित्तीय संस्थान है कि जो 67 साल में केवल 58 लाख करोड़ रुपए कर्जा देने की हैसियत जुटा पाए थे 67 साल में, 10 साल में 10 पूरे नहीं हुए, समझिए 9 साल में हमारे वित्तीय संस्थान और बैंक इतने मजबूत हो गए, उन्होंने 205 लाख करोड़ का कर्जा दिया है। तो ये कर्ज ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। और मैंने कहा बैंक है किसके, ये जो आरबीआई किसका है, आरबीआई किसी धंधा सेठ का है वो सरकार का, लेकिन वित्तीय अनुशासन बना रहे तो ये कर्ज में दर्ज होता है फिर उसको ब्याज देके ताकि आपके पास आपकी आय बढ़ती जाए, संपत्ति आपकी बढ़ती जाए। तो मैंने कहा ना इस बक्से से उठा के उस बक्से में रखना, फिर उस बक्से में जो वापस रखना तो थोड़ा बढ़ा के रखना। ये खेल है ये घरेलू कर्ज का, और घरेलू कर्ज कभी किसी देश के लिए कोई समस्या नहीं होते अगर उसका सदुपयोग हो रहा। सदुपयोग क्या हो रहा है, आप देख चुके हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम हुआ है अभूतपूर्व हुआ, चाहे रेलगाड़ी की बात करिए, रोड की बात करिए, हवाई जहाज की बात, वो अद्भुत, तो वो तो एक अलग चैप्टर हो जाएगा। तो ये जो 205 लाख करोड़ का रोना रो रहे हैं तो ये समझ नहीं रहे कि जिसको थोड़ी बहुत समझ है वो जान रहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की अभूतपूर्व उपलब्धि मैं तो मानता हूँ मनीष जी, कोई बहुत गणित लगाने वाला बैठा हो तो वो आके बता दे कि इसमें मैं गलत क्या बता रहा हूँ। लेकिन जो मुंह काला कर जो कर्ज मनीष जी किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है ये घरेलू, मैंने कहा ना घरेलू कर्ज तो सरकार अपने ही उससे लेती, जब उसके पास होगा तब तो लेगी। मेन जो कर्ज जो किसी देश के लिए समस्या होती है, और हमारे पड़ोस में वो नाटक हम लोग देख रहे हैं, जो मनीष जी विदेशी कर्ज होता है, जो विदेशी कर्ज होता है वो आपको भंगी भी बना सकता है, भिखारी बना सकता है, और वही आप तबाही और बर्बादी का कारण बनता है। जैसे पाकिस्तान है, उसको कुछ अब वो इतना कर्जा हो चुका है कि उसको देने तैयार नहीं है। तो वहां जब कांग्रेस जरा कांग्रेस अपनी तुलना वहां की बात नहीं कर रहे खैरात की, ये 205 लाख करोड़ की बात कर रहा है, जो सरकार का पैसा सरकार इधर उधर करती रहती है। जरा अब दर्शक समझे कि ये कितना कांग्रेसी कितने निकम्मे और कितने लुटेरे टाइप के थे जो कांग्रेस की सरकार थी। मार्च 2004 में मनीष जी, मार्च 2004 में इस देश में जो विदेशी कर्ज था वो 102 बिलियन डॉलर था जब अटल जी ने छोड़ा मार्च 2004 में,
और जब मार्च 2014 में सरदार जी ने छोड़ा मनमोहन सिंह ने यूपीए की सरकार में 10 साल शासन करने के बाद, तो वो बढ़कर हो गया था 446.5 बिलियन डॉलर। ये जो समझिए कि 10 सालों के दौरान 344 बिलियन डॉलर कर्ज बढ़ा था, विदेशी कर्ज जो चुकाना पड़ता है और देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देता है। तो ये 10 साल में इन्होंने 344 बिलियन डॉलर बढ़ाया था। नरेंद्र मोदी सरकार का क्या है कि ये जो 446.5 बिलियन छोड़ के गए थे, आज की तारीख में मार्च 2023 में वो बढ़ के हुआ 629 बिलियन डॉलर, यानी करीब करीब समझिए इस दौरान जो है 183 बिलियन डॉलर बढ़ा है। ये परसेंटेज में आ जाइए तो 41% बढ़ा है 9 साल में। तो ये कांग्रेसी बताएंगे ये जो इन्होंने 344 बिलियन डॉलर कर्जा लिया था, कहाँ कर्जा किया वो? ये तो सौगात दे के गए नरेंद्र मोदी को कि अभी कर्जा तुम उतारो, क्योंकि वो कर्जा जो है वो भारत सरकार की अपनी कंपनियों का नहीं है, वो दुनिया के अलग अलग संस्थाओं का है, IMF का है, वर्ल्ड बैंक का, अलग अलग देशों का है। तो ये जो 350 करोड़ बिलियन डॉलर ये कांग्रेसी लाद के गए थे, इसका इन्होंने किया क्या था? और ये कर्जा उतार के नहीं गए, ये सौंप के गए नरेंद्र मोदी के। तो 9 साल में 183 बिलियन डॉलर समझिए वो है कर्ज बढ़ा है। तो और सबसे खास बात जो मोदी जी एक लास्ट है जिसपे इन्होंने ये बड़ा प्रचार कर रहे हैं कि IMF ने चेतावनी दे दी, फला ये IMF क्या बताऊं, ये इन खैरातियों को नेता तो छोड़ दिए, तो कम पढ़े लिखे होते, धूर्त होते, अरे कम से कम खैराती तो जो अखबार चला रहे दैनिक भास्कर और News24, एक अलग इनके रिसर्च टीम बैठी होती है, इनको तमीज नहीं है? मनीष जी नंबर एक की अर्थव्यवस्था और उसके लिए कोई दस्तावेज में जाने की जरूरत नहीं, वैसे दुनिया मानती कि सबसे धनी देश और उस नंबर एक की अर्थव्यवस्था वो है अमेरिका। तो अभी बता दूं कि इंडिया का जो डेप्ट टू GDP रेशियो है वो 83% है, और वो सरकार का कहना है कि मार्च आते आते वो 70% पे हम ले आएंगे। लेकिन जरा अमेरिका का डेप्ट टू GDP रेशियो जो है वो 123% में इंडिया से ऊपर वालों की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद नीचे का भी बताऊंगा। मनीष जी अमेरिका का है 123%, चीन का है 83%, जिसका ये बड़ा दीवाना है कांग्रेसी राजकुमार, उसका भी 83% है। जापान का है 220%, जापान भी हमसे बड़ी इकोनॉमी है, 220%। और मनीष जी UK यूनाइटेड किंगडम 104%, और ये तो हुई जो हमसे बड़ी है, हमसे आगे वाली उनकी ये स्थिति है, जर्मनी 66% है। जो छोटी आवाज आई है जिसका बड़ा बड़ा डंका बजता है, बड़ी तारीफ होती है, सिंगापुर का है 168%। तो अपनी GDP से 168% कर्ज लेके ये देश चला रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि ये जो इंटरनल लोन होता है ये किसी देश की तरक्की को बताता है, उसकी ताकत को बताता है कि उनके यहाँ उनके वित्तीय संस्थान, उनके घरेलू संस्थान है वो इतना मजबूत है कि वो इतनी बड़ी मात्रा में लोन देते हैं, और उनको लोन वापस होता है, उनकी आय बढ़ती है, सरकार की संपत्ति बढ़ती है। तो ये खैराती, मैंने कहा ना ये आम को इमली और उल्लू कबूतर, ये इसी ये पागल हो गए, इनका दिमाग दुरुस्त नहीं है। और अगर आप कर्ज की बात करिए तो किसी भी देश के लिए कर्ज जो समस्या का विषय होता है वो विदेशी कर्ज होता है, जो डॉलर में आपको IMF वर्ल्ड बैंक और दूसरे देशों से मिलता है। तो वो उसमें तो कांग्रेसियों का मुंह काला हो जाएगा कि 10 जो अटल जी जो 102 बिलियन डॉलर पे छोड़ के गए थे उसको इन्होंने बढ़ा के 446 बिलियन डॉलर कर दिया था।